दोस्तों हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में तीन पार्ट्स बना लिए हैं ऑलरेडी और उसमें बड़ी डिटेल में हमने चीजें डिस्कस की हैं। सिर्फ आप लोगों की फरमाइश पे और मेरे अपने, चूंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं एक और पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में, मैं उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, उसमें हमने ऑल्टरनेट रोज को, मतलब एक रो हाईलाइटेड थी और एक रो हाईलाइट नहीं हुई थी, ये फॉर्मूला की मदद से जो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हमने लगाया था उसकी मदद से हमने ये वाली कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी। अब मैं चाह रहा हूं कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम बैंड्स क्रिएट करें, यानी कि पांच रोज हाईलाइट हो, फिर पांच हाईलाइट ना हो, फिर पांच हाईलाइट हो, इस तरह करके आपका सारा का सारा डाटा हाईलाइट हो। तो इस एक्सरसाइज के लिए हमारे पास ये वाला सेट ऑफ डेटा है, आप कोई भी सेट ऑफ डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस सीरीज में या कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये देखा है कि फॉर्मूला बेस्ड के लिए आपके फॉर्मूला का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए या जीरो या वन में आना चाहिए, और तभी कंडीशन फॉर्मेटिंग के टूल को पता चलता है कि उसने कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है या नहीं। तो इस केस में भी हम चाहेंगे कि यहां पे पांच रोज जो साथ साथ आ रही हैं उसका रिजल्ट ट्रू आए, फिर पांच रोज का रिजल्ट फॉल्स आए, फिर पांच का ट्रू आए। तो मैंने जब रिसर्च की यूट्यूब पे, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस थे जो कि कुछ मेरी समझ से बाहर थे, बहुत कॉम्प्लेक्स थे समझने में। तो मैंने अपने तौर पे एक और फॉर्मूला ट्राई किया जो आपको बड़ा आसान लगेगा और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, तो उसको ट्राई करते हैं। यहां पे मैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम फॉर्मूला पहले एक्सेल शीट पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट ठीक आता है कि नहीं, और उसके बाद उसको कॉपी कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मूला एरिया में। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि रो का नंबर, हमें पता है कि अगर आप रो का फॉर्मूला यूज करें तो वो आपको रो का नंबर दे देता है। अब मैं इसको अगर नीचे तक कॉपी कर लूं अपने डेटा सेट के, तो आपको पता है ये रो नंबर चलता जा रहा है, 1 2 3, आगे 100 और 1000 में भी चला जाएगा। इस तरह के नंबर पे फॉर्मूला या कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन आप एक तरह के सेट ऑफ डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका एक जुगाड़ मैंने ये निकाला कि मैं अगर जो टेक्स्ट का फॉर्मूला है राइट, यानी कि राइट और लेफ्ट, जो कि टेक्स्ट में से आपको एक स्पेसिफिक डिजिट या सेट ऑफ डेटा निकाल के देता है, तो मैं राइट का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करूं और उसे कहूं कि मुझे इस नंबर के राइट साइड में से सिर्फ एक डिजिट उठा दे और इसको अब नीचे कॉपी कर लूं, तो ये देखें आपके पास एक सीरीज आएगी 1 2 3 4, क्योंकि 1 तो चूंकि हेडिंग है तो उसको छोड़ देते हैं, 2 3 4 5 6 9 और 0, फिर 1 2 3 4, इस तरह ये आपके पास सारा एक ही सेट ऑफ डेटा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि जो राइट लेफ्ट वाले फॉर्मूले हैं ये टेक्स्ट के फॉर्मूले हैं। तो हम ये करते हैं कि यहां पे इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू का। किसी भी आइटम को अगर आपने नंबर में कन्वर्ट करना है, वो अगर टेक्स्ट में सेव्ड है किसी वजह से, तो आप उसमें उसको अगर वैल्यू फॉर्मूला लगा देते हैं तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी कर लें, अब ये सारे के सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। अब हमने कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे हमारे पास रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आए। तो मैं कहता हूं कि ये जो नंबर आया है अगर ये 5 से कम है, यानी कि 0 1 2 3 4 है, तो फिर उसका रिजल्ट ट्रू आ जाए। तो उसके लिए बड़ा आसान है कि ये जो नंबर है मैं इससे पूछ लेता हूं कि क्या ये 5 से कम है, तो अगर 5 से कम हुआ तो ट्रू दे देगा, अगर उससे ऊपर है तो फॉल्स दे देगा, तो हमें पता है वो 5 6 7 8 9। तो इस तरह 5 आपके ट्रू होंगे, 5 फॉल्स होंगे, और ये सारे के सारे सेट ऑफ डेटा पे इसी तरह चलेगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं नीचे, तो ये देखें यहां पे चूंकि एक हेडिंग चली गई थी और ये फोर्थ नंबर तक आपके पास आ गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपके 5 फॉल्स आ गए, फिर 5 ट्रू आ गए, 5 फॉल्स आ गए, तो ये हमारा पर्पस फुलफिल हो गया। तो अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे जाके सेट ऑफ डेटा को सिलेक्ट करें, होम रिबन में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके और न्यू रूल में जाएं और इसी तरह फॉर्मूला बेस्ड रूल को क्लिक करें, और फॉर्मूला में आप इस फॉर्मूला को कॉपी कर दें और अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट आप अप्लाई कर दें। लाइक मैं बोल्ड कर देता हूं इसको, और फिलिंग के लिए कोई लाइट कलर यूज कर लेते हैं और ओके प्रेस करते हैं। तो यहां पे देखें आपका जो सेट ऑफ डेटा है वो बैंड्स में कन्वर्ट हो गया है। इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो ऐसा अभी मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन
एक बात जरूर है कि जिस तरह अल्टरनेट रोज के हिसाब से आपने अपना जो टेबल था उसको बेहतर प्रेजेंट किया, तो ये भी आपके डेटा को बेहतर प्रेजेंट करने का एक और तरीका है। आपके पास कोई और आइडियाज हैं, कुछ और आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। मेरा ईमेल एड्रेस आप लोगों के पास है, मेरा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ओपन है, आप खुल के कमेंट्स करें। मैं कोई भी कमेंट्स हाइड नहीं करता और कोशिश करता हूं कि उनको रिप्लाई जरूर करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पूरी सीरीज बहुत ही अच्छी लगी होगी। कोई आपके कमेंट्स हैं तो मुझे जरूर बताएं। अगली सीरीज तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।